दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने हरिद्वार और उसके कुछ विशिष्ट दार्शनिक स्थानों के बारे में बात की थी। आज की वीडियो में मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज हम हरिद्वार के प्रमुख पर्यटक स्थलों के बारे में बात करेंगे, साथ ही हरिद्वार शहर की सैर भी करेंगे और जानेंगे कि हरिद्वार में मंदिर और तीर्थ स्थानों के अलावा क्या खास है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण डबराल है और आप बने हुए हैं द हिमालयन स्टोरी के साथ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हरिद्वार अपनी सभ्यता, संस्कृति और भौगोलिक खूबसूरती के लिए संपूर्ण भारत में विख्यात है। यहाँ देखने लायक कई प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हैं और मंदिर हैं, जैसे हर की पौड़ी, माता गंगा का मंदिर, चंडी देवी मंदिर, मनसा देवी मंदिर, माया देवी मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, भारत माता मंदिर, सप्तऋषि आश्रम, शांति कुंज, गायत्री शक्तिपीठ, कंखल, पारस शिवलिंग, दिव्य कल्पवृक्ष इत्यादि। दोस्तों, पर्यटकों के लिए खरीदारी करने के लिए हरिद्वार में बड़ा बाजार या मोती बाजार के नाम से एक जगह भी है। बड़ा बाजार हर की पौड़ी से सुभाष घाट पर मौजूद है। इस बाजार को घूमने के लिए आपको कम से कम 2 घंटे का समय जरूर लगेगा। यह बाजार सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। इस बाजार में आपको धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित वस्तुएं, सजाने का सामान, गहने, पूजा की सामग्री, आयुर्वेदिक दवाइयां, चूर्ण, औषधियां इत्यादि सामान आसानी से मिल जाता है। अगर आप खाने के शौकीन हैं तो आपको हरिद्वार का स्ट्रीट फूड जरूर चखना चाहिए। और साथ ही आप अगर आप हरिद्वार आए हैं और आपने यहाँ का स्ट्रीट फूड नहीं चखा तो आपका हरिद्वार का सफ़र पूर्ण नहीं हुआ। आज मैं आपको हरिद्वार के कुछ फेमस स्ट्रीट फूड वेंडर्स के बारे में बताने जाऊँगा, जहाँ पर आप जाके वहाँ का जायका ले सकते हैं। सबसे पहले मोहन जी पूरी वालों की आलू पूरी। जी दोस्तों, यहाँ हरिद्वार में वैसे तो सभी स्ट्रीट फूड वेंडर काफ़ी फेमस हैं अपने अपने खाने के लिए, बट काफ़ी विख्यात हैं वो हैं मोहन जी पूरी वाले। उनकी आलू पूरी की सब्जी के लिए लोग देश के कोने कोने से आते हैं, जो हरिद्वार भ्रमण के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं यहाँ पे, वो एक बार इनके यहाँ से ज़रूर खा के जाते हैं। साथ ही कश्यप कचौरी भंडार जो गाँव घाट पे हैं वो भी यहाँ काफ़ी फेमस हैं। और आप मीठे के शौकीन हैं तो मथुरा वालों की प्राचीन दुकान पर जाना ना भूलें, जहाँ आपको रसमलाई और जलेबी का स्वाद मिलेगा। साथ ही अगर आप छोले भटूरे के काफ़ी शौकीन हैं तो भगवती छोले भंडार, जी दोस्तों भगवती छोले भंडार पर जाएं और वहाँ के प्रसिद्ध छोले भटूरे जरूर चखें। इसी के साथ यहाँ पे अगर आप लस्सी कुल्लड़ वाला दूध पीना चाहते हैं तो पंडित सरवण शर्मा दूध वाले जो मोती बाजार में स्थित हैं उनके पास जा सकते हैं। और चाट के लिए यहाँ पे जैन चाट भंडार काफ़ी फेमस है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी आप अपनी राय ज़रूर बताएं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक सबसे पहले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके।